सजेशन देना चाहता हूँ कि मैं पार्टी में तकरीबन 45 ईयर से हूँ, 45 साल मेरा जो है कांग्रेस पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा है, बसवराज पाटिल साहब के से स्टार्टिंग एमएलए से लेकर अभी तक। एमएलए की अहमियत आप लोगों को जो है इसके बारे में मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। जो भी इलेक्टेड पंचायत मेंबर हो या गांव का जो सोशल वर्कर हो या गांव की जो है तरक्की के लिए हो या गांव की जो है और दूसरे कामों के लिए हो, लोगों का पुलिस का मामला हो, तहसील का मामला हो, एसी का मामला हो या डीसी का मामला हो या आरटीओ ऑफिस हो, अरे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है एमएलए साहब का ही जो है राज चलता है और उन्हीं की बात को सुनते हैं। और एक एमएलए हमारे एमएलए अगर रहा तो जो है हमारा जो है रीढ़ की हड्डी बैकबोन जो है एमएलए ही होना। अगर एमएलए के बगैर आप देखिए अब हम 15 साल हो गया बगैर एमएलए के चल रहे, 20 साल एमएलए के साथ ही रहे, जो काम करना है वो काम के लिए हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती थी, वही असर और रुसूख से ये 15 साल भी गुजार ले रहे पिछले के असर और रुसूख से। तो क्या है तो आपको बोलने का मतलब ये है कि एमएलए की अहमियत और जो है जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काम है वो सब के सब एक एमएलए के थ्रू ही काम होते हैं और उसका उसकी अहमियत आपको गांव में मालूम पड़ती है। एक छोटा सा केस अगर हो गया तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए आपको जो है काफ़ी मशक्कत पड़ती है। जैसे तुम्हारा एमएलए अगर रहा तो जो फौरी अभी एक कोई बच्चा जो है बताया कि भाई ऐसा मामला है, तो जो है एमएलए होना हमारे लिए जो है बहुत ही अहमियत वाली बात है और बहुत ही जो है कीमती बात है। दूसरी बात यह है कि भाई साउथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। आप बोलेंगे कि भाई मीनाक्षी मैडम की जमानत जब्त हो गई और जो है समर सिद्दीकी साहब की जमानत जब्त हो गई फिर गढ़ कैसा, तो इसका सबूत आपको बताएंगे कि भाई ZP ये इसमें MP इलेक्शन में दो बार धर्म सिंह साहब को जो है लीड फर्स्ट टाइम पर 23,000 की लीड दी है साउथ में, सेकंड टाइम भी जो है 12,000 की लीड दी है, 12-13,000 की लीड दी है। अब जिस वक्त जो है हमारे ईश्वर खंडरे साहब ठहरे थे उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनस है जबकि साउथ में उनको भी जो है 12,000 की लीड दी। अब जो है उसके बावजूद जो है हमारा एमएलए हार रहा है क्यों, इसकी वजह क्या है, ये मेन डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट लीडर्स का है और गलत डिसीजन की वजह से जो भी कैंडिडेट है एक डिम्मी कैंडिडेट हमारे को डाल रहे जिसकी वजह से हमारी जो है हमारा एमएलए चुनकर आना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बन रहा है। अब आप देखिए कि भाई जिस वो समद सिद्दीकी साहब को टिकट दिए वो ऑलरेडी JDS का आदमी, वेटरनरी कॉलेज वेटरनरी यूनिवर्सिटी में वो जो है नॉमिनेट ऑलरेडी है, क्या ये हाईकमान को नहीं मालूम, क्या ये पार्टी के सीनियर लोगों को नहीं मालूम कि वो ऑलरेडी जो है उनके जो है नॉमिनेट थे वैसे को टिकट दिए। और मीनाक्षी मैडम जो BJP छोड़कर 8 महीने पहले कांग्रेस में ज्वाइन हुए फिर उनको टिकट दिए, तो जाहिर बात है कांग्रेस के लोग भी सोचेंगे ना, कांग्रेस के सीनियर लोग भी सोचेंगे और भी लोग सोचेंगे। अब जैसा कि हमारे खेड़ी साहब को टिकट दिया वो मक्कड़ पक्षा, हर एक सिटिंग MLA है बल्कि थोड़ा एडमिट किया उनको जो है 30-35,000 तक वोट जो है दिलवाए, उसके बावजूद वो जो है पार्टी के वर्करों को धोखा दिए, मैं ओपन बोलता हूँ कि उन्होंने धोखा दिया। क्यों धोखा दिया, बाहर जगह पे जो है पोलिंग एजेंट नहीं बनाए, घर के बाहर निकले नहीं, पोलिंग एजेंट बनाए नहीं, कुछ उसका जो इंतजाम किए नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने जो है हार गए। और ये जो है फिर भी कांग्रेस के लोग जो है 30-35,000 तक 35,000 वोट उनको दिलवाए। उसके बाद कांग्रेस का ये बैलास रहा है कि भाई मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, तकरीबन मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो कांग्रेस का बैलास रहा है कि जहाँ पर डिफीटेड MLA जो है टिकट जिसको दिए, डिफीटेड MLA जिस एरिया में है
पांच साल तक वो जो है डिफीटेड एमएलए ही वहां की नुमाइंदगी करना और वहां के हर लोगों के काम करना, जेटपी का काम करना, तहसील ऑफिस का काम करना, पुलिस के मामले करना, जो भी है वो जो है पूरे पार्टी के लोगों को देख के चलना बोलकर ये जो है हमारे कांग्रेस का बहलास है। लेकिन उन्होंने किसी दिन भी एक दिन भी आकर जो है कांग्रेस के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई अपने वर्करों से कांटेक्ट नहीं किए, और किए भी तो जो है वो आए भी तो कभी कभी आए तो उनके नाइस के नाइस के जो है नौकर लोग आए, नाइस कंपनी के उनके जो है सर्वेंट लोग आए। इससे जो है पार्टी बढ़ती नहीं, पार्टी घट जाती है। ऐसे मौके पर जबकि हमारे धर्म सिंह साहब जब थे उस वक्त जो है पाँच साल पीरियड में हमारे चंद्र सिंह साहब ने यहाँ की बागडोर संभाली साउथ की, उनको जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने जो है कांग्रेस के लिए घर घर फिर काम किया और जो है लीड लिए। फिर उसके बाद भी अभी तक भी जब से लेकर अभी तक भी जो है तकरीबन 10-12 साल से जो है चंद्र सिंह साहब जो है बराबर पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम करते आ रहे हैं और पार्टी के लिए जो है उन दिन रात एक किए। अब वो बेंगलोर में है बोलकर जो है बाज लोग अभी अभी बताए थे कि भाई वो बाहर के आदमी है, बाहर के नहीं बल्कि हमारे बिल्कुल करीब के हैं, हमारे दिल के अंदर है वो, उन्होंने बाजाबता तरीके से यहाँ है। मैंने ये कोशिश है कि भाई अभी अभी सर्वे में आया है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स जैसा कि डीके शिवकुमार साहब है, सिद्धरामैया साहब है, मैं समझता हूँ कि नॉर्थ का एरिया जो है सिद्धरामैया साहब की जिम्मेदारी में है, शायद टिकट देना है हैदराबाद कर्नाटक एरिया का, और जो है हमारे ईश्वर खंडे साहब के इसमें है। फिर भी वो लोग जो है एक सर्वे के लिए भेजे हैं। मैं उस सर्वे की रिपोर्ट में हमको जितना मालूम है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सर्वे में सबसे आगे जो है हमारे चंद्र सिंह साहब हैं और जो है उसके चार पांच सर्वे में भी चंद्र सिंह साहब ही आगे हैं और जो है तमाम रिपोर्ट्स जो है वो हाईकमान को पहुंच रही है। मैं अपने एतमाद से ये कहना चाहूँगा कि भाई टिकट कांग्रेस का टिकट जो है 99% जो है चंद्र सिंह साहब को ही फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कल के जो है परसों जो क्रिकेट नाइस क्रिकेट टूर्नामेंट जो कमठाने में हुआ उन्होंने स्पीच में बोल दिए गए थे कि भाई अगर टिकट नहीं मिला तो मैं मकड़ पक्षा से डरता हूँ। केडी साहब, भाई केडी साहब जो है अभी कौन तो बोलेगा भाई वो बीमार है मरते, मैं बोलूँगा 100 साल जी नहीं थे, क्योंकि वो एक लीडर आदमी नहीं है। ये एडमिट करते हैं हमारे राजशेखर पाटिल साहब, एडमिट करते हैं हमारे ईश्वर खंडे साहब, एडमिट करते हैं ऊपर से नीचे तक पूरे लोग एडमिट करते हैं कि वो एक लीडर नहीं है, पॉलिटिशियन लीडर नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन है। उनको नफा नुकसान से ताल्लुक है, कारोबार से ताल्लुक है। आपको कहाँ टाइम देते हो, टाइम देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक डायरी बनाए, मैं इतना काम किया हूँ, इतना काम किया हूँ, इतना काम किया हूँ। अरे भाई एक आदमी गया तो जो है उसका एक काम नहीं करे, एक मामूली काम नहीं किए। मैं बसवराज साहब की एक मिसाल देता हूँ। भंगी साहब ने मनाए के लिए मैं चेयरमैन था और जो है हमारे मेराजुद्दीन पटेल इंचार्ज मंत्री थे, उनका हमारा जो है बहुत ही टाइट चलता था, टक्कर चलते रहती थी। इत्तेफाक से जो है एक छोटा सा झगड़ा हुआ, झगड़े में जो है उन्होंने 300-400 आदमी जमा लेके जो है क्या यूसुफ साहब आपके घर पे आना क्या, ऐसा आप ऐसा करें वैसा करें, मैं तो बोला वेलकम, आइए आप दो हाथ ज्यादा तो मारेंगे, हम दो ज्यादा तो मारेंगे, आइए वेलकम बोला। मैं वेलकम बोलकर मैं बसवराज पाटिल साहब को फोन लगाया, साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, यूसुफ साहब आप डरिए मत, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। कौन बोलता है एमएलए, कौन सा एमएलए आज जो है राजशेखर पाटिल है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा बल्कि राजशेखर पाटिल भी वर्करों के जो है कदम का कदम कंधे को कंधा मिला के चलने वाले, और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो जो है चंद्र सिंह साहब ही है, जिसके हट कर जो है मैंने आप अगर एमएलए इनको बनाएंगे तो आपके घर घर एमएलए होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं लीडर वो भी एमएलए की हैसियत रखेंगे। क्यों रखेंगे कि भाई आपका हर काम जो है एमएलए आसानी से उसको पूरा करेंगे। मैंने आखिर में क्योंकि टाइम ज्यादा हुआ है और खाने का वक्त जो है 12-1 बजे से रखे थे,
अब ज्यादा हो गया, सब खाने के लिए भेजे नहीं। मैं और एक बार आप लोगों को तहखुन दिला रहा हूँ कि भाई